खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस दौरान कौन सी सेवाएं मिलेंगी और कौन सी नहीं। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाएं और दवाएं मिलती रहेंगी। गृह मंत्रालय ने भी इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। दरअसल 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बंदी नहीं होगी। मसलन केमिस्ट की शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। डॉक्टर के यहाँ जाने की इजाजत होगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी सेवाएं चालू रहेंगी। प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत भी बेहद जरूरी हालात में ही होगी। लोगों को सिर्फ मेडिकल जरूरत के लिए राशन, दवा, दूध और सब्जी खरीदने जाने के लिए इजाजत होगी। एम्बुलेंस सेवा भी जारी रहेगी। मेडिकल कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के सपोर्ट स्टाफ को ट्रेवल की इजाजत होगी। इसके साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को इजाजत होगी।